नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइम लाइनर्स पे। सो फ्रेंड, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर रैंक 5000 या फिर इससे ज़्यादा आई है। जी हाँ फ्रेंड, ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। सो फ्रेंड, वो स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान ना हो। फ्रेंड, आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को फ्रेंड देखने के बाद आप जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे, वो स्टूडेंट जिनकी रैंक 5000 या फिर उससे ज्यादा आई है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो फ्रेंड आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपकी 5000 या फिर 10000 ऊपर रैंक भी आती है फ्रेंड, तब भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एडमिशन पाने के दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर। लेकिन फ्रेंड, अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, जी हाँ फ्रेंड, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी रैंक 5000 से ऊपर आ जाती है तो दिक्कतें यहीं पर आना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपकी रैंक 5000 या फिर इससे ज़्यादा आती है तो बहुत मुश्किल है कि आपका एडमिशन मिलना दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो फ्रेंड ये मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की। तो देखिए फ्रेंड, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए क्योंकि इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपकी रैंक 5000 या फिर उससे ऊपर आ गई है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर। तो देखिए फ्रेंड, आप दो चीज़ें कर सकते हैं अगर आपकी रैंक 5000 या फिर उसके ऊपर आ गई है। तो फ्रेंड वो देखिए, वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जो पहली चीज़ है वो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जी हाँ फ्रेंड, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ मुंह मोड़ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आपकी अगर रैंक 5000 या फिर इससे ज़्यादा आती है तब भी आपको चांसेस हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाएगा दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर। बस फ्रेंड, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में यही होता है कि आपको उसकी फ़ीस को अफोर्ड करना होगा। फ्रेंड उसकी फ़ीस होती है जो थोड़ी हाई होती है एज़ द कंपेरिजन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अगर फ्रेंड उस फीस को आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और वहाँ पर आप स्विच कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर जिसके अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए, जो पहला इंस्टीट्यूट है वो है छोटू राम रूरल इंस्टीट्यूट। जी हाँ फ्रेंड, छोटू राम रूरल इंस्टीट्यूट है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, वेल रेपूटेड कॉलेज है। इसके बाद जो दूसरा इंस्टीट्यूट आता है प्राइवेट के अंदर वो है आदित्य इंस्टीट्यूट। ये भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें कंप्यूटर साइंस की जो ट्रेड है वो काफ़ी फेमस है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। और जो तीसरी ट्रेड है फ्रेंड वो है गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो देखिए ये फ्रेंड, मैंने आपसे बात किया जो पहला तरीका है, अगर आप फीस को अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ स्विच कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपकी रैंक 5000 से ऊपर आ गई है और आप फ्रेंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस होती है अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो क्या करें? सो फ्रेंड, परेशान मत होइए, मेरा जो दूसरा ऑप्शन है वो आप ही के लिए है। तो देखिए, जो दूसरा मेरा ऑप्शन है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही है। जी हाँ फ्रेंड, आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन मिल सकता है अगर आपकी रैंक 5000 या इससे भी ज़्यादा आ गई है फिर भी। जी हाँ फ्रेंड, यकीन मानिए आपको एडमिशन मिल सकता है। बस फ्रेंड कुछ लिमिटेशंस है, वो क्या है देखिए फ्रेंड, अगर आपको क्या कहते हैं आपकी रैंक 5000 या इससे ज़्यादा आई है और अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन चाहिए दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर, सो फ्रेंड ये वो चार ट्रेड्स हैं फ्रेंड जिसके अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड, और यकीन मानिए फ्रेंड, ये ट्रेड्स भी काफ़ी अच्छी है, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ फ्रेंड। इसमें बस आपको अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम मिलेंगी एज़ द कंपेरिजन ऑफ अदर ट्रेड्स, लेकिन फ्रेंड अगर आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लोगे तो फ्रेंड आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी स्कोप है। और फ्रेंड किसी ने मुझसे एक बात कही थी, वो बहुत बहुत अच्छी है कि फ्रेंड आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट चाहिए होती है, आपको कोई मतलब नहीं है चाहे 10,000 सीट है या फिर 1,000 सीट है, आपके लिए तो एक ही सीट चाहिए होती है ना प्लेसमेंट के लिए। तो फ्रेंड आपके लिए भी ये सारी ट्रेड्स अच्छी हैं, बस आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड, आपके लिए केमिकल है, पॉलीमर इंजीनियरिंग है, प्रिंटिंग है और आईटी नेवल्ड एंड सर्विस मैनेजमेंट है। फ्रेंड ये चारों ट्रेड्स काफ़ी अच्छी हैं, अगर आपकी रैंक 5000 या इससे भी ज़्यादा आती है तब भी आपको इनमें एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ कॉलेजेस में आपको ट्राई करना है इन ट्रेड्स के लिए। तो देखिए, आपको अगर केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आप गुरु नानक इंस्टीट्यूट में ट्राई करेंगे, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट दोनों में ट्राई करेंगे और फ्रेंड यकीन मानिए आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर आपको पॉलीमर इंजीनियरिंग चाहिए तो फ्रेंड पॉलीमर इंजीनियरिंग के लिए भी आप गुरु नानक इंस्टीट्यूट में ट्राई करेंगे और इसमें भी दोनों आप मॉर्निंग और आफ्टर शिफ्ट में ट्राई करेंगे और फ्रेंड इसमें भी आपके पूरे चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा।
इसके बाद देखिए जो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है फ्रेंड, ये पूसा इंस्टीट्यूट में है, और पूसा इंस्टीट्यूट में भी दोनों में मॉर्निंग और आफ्टरनून में कराई जाती है। तो फ्रेंड अगर आपको प्रिंटिंग इंजीनियरिंग चाहिए तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा पूसा में, और दोनों शिफ्ट में ट्राई कीजिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो लास्ट ट्रेड जो मैंने आपसे बताई थी, IT इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट, ये आपको फ्रेंड रजोकरी इंस्टीट्यूट में मिलेगी। और फ्रेंड ये भी काफ़ी अच्छी ट्रेड है, इसके अंदर भी फ्यूचर में स्कोप काफ़ी है। बस मैंने फ्रेंड जैसे बताया कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपने मेहनत अच्छे से की तो आपको अच्छे स्कोप मिलेंगे इन सारी ट्रेड्स के अंदर। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दिया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपकी रैंक 5000 या फिर इससे ज़्यादा आई है, फिर भी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जो कुछ सेलेक्टेड ट्रेड्स और उनके अंदर आपको पूरी चांसेस की एडमिशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड, आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगे सो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।